गाइज कैसे हो आप लोग, वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइज आज है माता का नवा पूजा और आज है कन्या पूजन, तो आरती को मैंने रेडी किया हुआ है कन्या पूजन के लिए ये लहंगा चोली पहनाकर। तो कैसी लग रही है आरती बताना। और ईशु को एथनिक नहीं पहनना था इसलिए वो जीन्स और शर्ट पहना हुआ है और ये आप लोगों को जय माता दी बोल रहा है। मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं ये जो हवन मैंने किया था उसी का जो हुमाद है वो मैं जला रही हूँ और इसमें इस कपूर डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, कपूर चूर कर डालने से हुमाद जो है वो अच्छे से जल जाता है। अब मैं बना रही हूँ कन्या पूजन के लिए प्रसाद, तो यहाँ पे मेरी खीर बन गई है और अभी आपको मेरी किचन मैसी लगेगी क्योंकि सब कुछ शुद्धता के साथ बनाना होता है। तो सब कुछ धो रही हूँ, कर रही हूँ, बना भी रही हूँ और यहाँ पे मेरी आलू जो है वो मसाले के साथ फ्राई हो चुकी। इसमें मैं डालूँगी काले चने क्योंकि हमारे यहाँ काले चने और आलू की सब्जी बनती है और पूरी बनेगी। तो पूरी का भी आटा मैंने नहीं लगाया था, तो बस इतना ही मैं कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये रहे हमारे काले चने। तो अब मैं कर रही हूँ कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले पैर धुलाना होता है माता को आसनी बैठाने के बाद, जो भी कुमारी कन्या होती है। तो इस बार मैंने थोड़ा सेफ रखा है सब कुछ। वैसे तो हर साल मैं 9 कन्या जमाती थी, 9 कन्या कुमारी और एक भैरव भैया। तो भैरव भैया के लिए मैंने ईशु को बैठाया है और कन्या कुमारी के लिए मैंने आरवी को बैठाया है और दोनों का पैर धुलाएँगे और आँचल से पैर को पोछना है और दोनों पैर ऐसे ही करना है। और इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि अभी जो कोविड का समय है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में या फिर किसी और के बच्चे को मैं अपने घर बुलाऊं और सारे बच्चे एक दूसरे से घुले मिले और किसी के भी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैंने माहौल को देखते हुए ये सोचा कि नहीं, मुझे जो है वो सब कुछ सेफ रखना है। तो इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाई और मैंने पंडित जी से बात किया तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी जैसा माहौल चल रहा उसके हिसाब से, आपके घर में खुद के बच्चे हैं और बच्चों में सारे भगवान होते हैं तो इसलिए आप ऐसे ही करो। उसके बाद मैं आरवी को और ईशु को टीका लगाती हूँ। आरवी की आँखों में थोड़ा सा रोली चला गया था तो जिसके कारण वो आँखें भी मैच कर रही थी। उसके बाद आरवी को चुंदरी ओढ़ाती हूँ और ईशु को जय माता दी का जो बैंड आता है वो बनाई। फिर माता का श्रृंगार करना होता है तो बिंदी लगा रही हूँ। आरवी के लिए ये क्यूट क्यूट सी चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी, वो मैं उसको पहना रही हूँ। और बच्चे हैं तो बच्चों को नहीं पता कि चूड़ियाँ कैसे पहनाई जाती, वो बार बार हाथ कभी इधर कर रही थी कभी उधर कर रही थी, तो फिर मैं उसको पकड़ पकड़ के अच्छे से पहना रही थी। और उसकी चुंदरी जो है वो बार बार गिर रही थी, मैं बार बार उसको कर रही थी फिर बार बार उसकी चुंदरी गिर रही थी। और इस हाथ में आरबी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये हाथ बार बार वो ज़्यादा टेढ़ा कर दे रही थी जिसके कारण चूड़ियाँ नहीं जा रही थी। फिर मैंने इसको किया तो फिर दोनों हाथ में अच्छे से चूड़ियाँ चली गई। उसके बाद पैर रंगूंगी और आरवी का पैर पहले से रंगा हुआ है क्योंकि वो अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ गई थी कन्या पूजन के लिए, तो इसलिए आरवी का पैर पहले से रंगा हुआ है। और मैं दोनों बच्चों का पैर रंगूंगी। पैर हमारे यहाँ आलता से रंगते हैं। और ये देखो यहाँ इसने हुडी भी डाल लिया, आरवी को मैंने चुंदरी डाला। तो और दोनों बच्चों का पैर रंगेंगे। अभी तो दो बच्चे हैं तो बहुत ही जल्दी से हो गया, नहीं तो 9 बच्चे जब होते हैं तो लगभग 1 घंटा इसी सब में टाइम चला जाता, पैर सबके पैर रंगने में और फिर सबके पैर धोकर पोछने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है पैर रंगने में। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है। और यही साड़ी पहनकर मैंने पूजा किया था और हमारे यहाँ एक ही जो कपड़ा होता है उसी को पहन के पूजा किया जाता है। उसी कपड़े को पूजा करने के बाद पानी से धोकर उसको पसारना होता है
और फिर उस सूख जाने के बाद वही कपड़ा पहनना होता है। उसके बाद मैं माला पहना रही हूँ और आरवी को जानबूझ के मैंने चुन्नी के ऊपर ही डाल दिया है ताकि उसकी जो चुनरी है वो बार बार खिसके ना। और ईशु को भी माला पहनाएंगे, उसके बाद कपूर जलाएंगे और कपूर जलाकर दोनों की आरती करेंगे। भोग लगाएंगे तो सबसे पहले पानी रखूंगी गिलास में, उसके बाद कन्या पूजन का जो प्रसाद है वो तो जो खीर पूड़ी और आलू और चने की सब्जी है तो बच्चे ये सब खाएंगे। उसके बाद इन दोनों को देने के बाद मैं इधर बैठ गई थी ताकि मैं अच्छे से थोड़ा बहुत शूट कर पाऊँ। मोहल्ले में कई लोगों ने नौकनियाँ जमाया था जिसमें से कि बहुत सारे लोग, एक दो लोग थे जो कि आए थे आरवी को भी बुलाने के लिए। फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं इस बार नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं बच्चों को भेज रही हूँ। बड़े लोग तो फिर भी जो भी प्रॉब्लम परेशानियाँ उसको झेल लेते, पर बच्चे नहीं झेल पाते हैं। और भगवान की चीज़ में मना करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अभी जो माहौल है उसी के हिसाब से चलना है और रहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट बच्चों को ही करता है। सो कोई नहीं, माता रानी सब देख रही हैं, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। अपने कन्या पूजन कैसे किया आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बच्चों के भोजन करने के बाद कुछ और भी करना होता है तो कोई भी एक फ्रूट्स देना होता है जो भी आप दे सकते हो, तो मैं सेब दे रही हूँ। और फिर पैसे देने होते हैं तो आंचल में ही दिया जाता है, तो मैं आरवी को चुनरी में ही दे रही हूँ। और यीशु यहाँ पे पूछा कि आरवी को ऐसा वाला क्यों नहीं बांधा, और जो बिंदी मैंने पहले लगाया था वही बिंदी मैं आरवी को दे रही हूँ, क्योंकि सिंगार होता है और पैसे होते हैं और क्या बोलते हैं कोई फल होता है। उसके बाद यीशु को भी पैसे और फल दे रही, क्योंकि जो मर्द होते हैं, मतलब कि जो जेंट्स होते हैं, उनको सिंगार नहीं किया जाता। उसके बाद बच्चों को पान खिलाया जाता है ताकि उनका मुँह लाल हो, और पान तो शुभ होता ही है। उसके बाद बच्चों को पैर छुआ जाता है और बच्चों से आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो आरवी को मैं यहाँ संभाल रही थी क्योंकि वो लहंगा पहनी हुई थी तो उसको उठने में नहीं बन रहा था, और ऊपर से सब कुछ मैंने हाथ में दे दिया था। तो यहाँ पे दोनों मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने कन्या पूजन किया, आप लोगों ने कैसे किया ज़रूर बताना और कैसा लगा आपको मेरा आज का। तो कन्या पूजन हमने कर लिया, कन्या पूजन के बाद मैं ऊपर आई हूँ और उसके बाद मैं माता का आसनी जो ही हिलाती हूँ, मतलब फ़ोटो जो वो मैं हिलाती हूँ। अगर माता को चौकी पर बैठाते हैं तो उसके बाद चौकी को थोड़ा बहुत हिलाते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही मतलब कि माता रानी को अलमारी के ऊपर रखा था तो उनकी फ़ोटो को हल्का सा हिला। अर्पित करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैंने जो कल अष्टमी वाले दिन मैंने जो यहाँ पे माता रानी का गोद भरा था तो वो सब हम यहीं पे छोड़ देंगे। और दसवीं वाले दिन जिस दिन मैं ये वीडियो आप लोग देखोगे उस दिन मैं इसको सुबह में ही पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि ये हुमाज जलने से पूरा काला काला हो जाता है, तो वो सब साफ़ करेंगे और माता रानी को वहाँ से। उसके बाद ये देखिए नीचे मेरा हवन वाला जल रहा है और मैंने हवन किया था। ऐसे पूजा का सामान आया हुआ है जो कि अभी पूरा मैसी पड़ा, वो सब कुछ कल क्लीन होगा, तो बस हमारी पूजा फिनिश हो। सो गाइस मेरी पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अब कल मेरा फास्ट था अष्टमी का, तो अभी तुलसी जी लेकर जा रही हूँ। तुलसी का पत्ता वो मैंने कल ही तोड़ लिया था, क्योंकि इस रविवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो इसलिए तो मैंने कल ही तोड़ लिया था। तो वही तुलसी का पत्ता लेकर और प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ूंगी। उसके बाद जो कन्या कुमारी के लिए मैंने प्रसाद बनाया है वो मैं खाऊंगी। उसके बाद देखते हैं तो आप लोगों से बातें करूंगी या फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी। और आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था, लिपस्टिक लगाया, फोम पैक लगाया और ये हाइलाइटर, मैंने हाइलाइटर का ही आई साइडो लगा लिया था जल्दी जल्दी में। चलिए बस यही सब है अभी।